नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का टॉपिक है घड़ी। घड़ी से रिलेटेड कई एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो यदि आपका घड़ी का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप इसमें ज़रूर अटकेंगे। अटकेंगे नहीं तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसमें बहुत समय लेंगे। तो मैं आपको घड़ी से रिलेटेड ऐसी बेस्ट ट्रिकें बताऊँगा जिससे आप इससे कोई भी एग्जाम हो एग्जाम में आप घड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन विद इन सेकेंड में 5 सेकेंड में या 30 सेकेंड में कर सकते हो। तो इसके लिए मैं बहुत ही आपको आसानी से ट्रिक बताऊंगा और बेसिक से बताऊंगा। जो घड़ी का बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आपको बेसिक से शुरू करूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग घड़ी के बारे में जानते होंगे। चलिए मैं आपको घड़ी के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि जो घड़ी होती है वो इस प्रकार की गोलाकार होती है, और गोलाकार जो होती है उसमें 12 चिन्ह बने होते हैं। जैसे ये 12 का है, ये 6 का है, और ये 3 का है, और ये 9 का है। इसके बीच में भी 2-2 चिन्ह होते हैं इस प्रकार से। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रकार से घड़ी में ये 12 चिन्ह होते हैं और इसमें 3 सुइयां होती हैं, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली। ये जो छोटी वाली सुई होती है पहली सुई होती है घंटे वाली सुई, जो सुई होती है पहली वो होती है घंटे की, और जो दूसरी होती है वो होती है मिनट की, और जो तीसरी सुई होती है वो होती है सेकंड की। अब आप समझ रहे होंगे कि ये 3 सुई होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इन तीनों सुइयों का अलग अलग कार्य है, वो क्या है उसके आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो हावर हैंड है, जो घंटे वाली सुई है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक वापस आने में कितना समय लेगी? तो जो घड़ी वाली जो घंटे की सुई होती है वो यहाँ से वहाँ तक आने में 12 घंटे का समय लेती है। तो जो 12 घंटे होगी वो यहाँ से यहाँ तक चलेगी, और यहाँ से यहाँ तक चलने में 360 अंश होता है। तो जो सबसे पहले बात करते हैं जो हावर हैंड है, तो हावर हैंड की बात करते हैं तो ये जो है 12 घंटे में कितनी चलेगी? 360 अंश। 360 डिग्री का जो पूरा कोण होता है तो वो 12 घंटे में चलेगी। अब बात करते हैं 1 घंटे में कितनी चलेगी, तो 1 घंटे में चलेगी ये 360 / 12, तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 36 = 0। तो ये जो हावर हैंड है तो 1 घंटे में 30 अंश चलेगी। अब 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, तो ये 60 मिनट में 30 अंश चलेगी, तो 1 मिनट में ये 30/60 अर्थात 1/2 अर्थात 0.5 डिग्री चलेगी। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होती है, जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 0.5 अंश चलती है। ये नोट करने वाली बात है, आप इसे नोट कर लीजिएगा या फिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि जो घड़ी में जो पूरा का जो पूरा कोण होता है वो 360 का होता है। तो 360 का जो कोण होता है, ये घड़ी वाली सुई अगर यहाँ से लेकर के लौट के यहीं पर आएगी तो 12 घंटे हो चुके होंगे, तो 12 घंटे में ये 360 अंश का कोण चलेगी। तो 12 घंटे में 360 चलेगी, तो 1 घंटे में 30 अंश चलेगी, तो 1 मिनट में 0.5 अंश चलेगी। अब बात करते हैं जो मिनट वाला हैंड है, जो मिनट वाली सुई है इसकी बात करते हैं। तो जो मिनट वाली सुई है अगर यहाँ से चलेगी और यहाँ तक चलने के बाद यहाँ तक वापस आएगी तो इसे कितना समय लगेगा? 1 घंटा। तो 1 घंटा में ये कितना चलेगी? पूरा अर्थात 360। तो हम जो मिनट हैंड की बात करते हैं तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 360 डिग्री, यानी कहने का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में चलेगी 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी चलेगी? ये 1 मिनट में चलेगी 360/60 अर्थात 6 डिग्री। तो ये जो घंटे वाली जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं हम जो सेकंड वाली सुई है उसकी बात करते हैं। तो सेकंड वाली सुई है वो 1 चक्कर लगाती है 1 मिनट में, अर्थात जैसे 1 मिनट में लगाएगी चक्कर पूरा अर्थात 360 डिग्री।
जो सेकंड वाली सुई होती है वो एक मिनट में पूरा घूम जाती है, अर्थात 360 डिग्री चलती है। तो एक मिनट में 360 चलेगी, तो एक मिनट में होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड में चलेगी 360, तो एक सेकंड में चलेगी 360/60, अर्थात 6 डिग्री। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई है कि जो घंटे वाली सुई है वो एक मिनट में चलती है, एक मिनट में आधा अंश, और जो सेकंड मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई एक मिनट में चलती है 6 अंश, और जो सेकंड वाली सुई है वो एक मिनट में चलती है 360 अंश। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ये तीनों सुई एक एक मिनट में कितना चलती हैं, तो इसकी बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए घड़ी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें पूछा गया कि घंटे वाली सुई 20 सेकंड में कितना चलेगी, तो अभी मैंने आपको बताया था जो घंटे वाली सुई होती है तो एक घंटे में कितना चलती है, जो घंटे वाली सुई होती है वो एक घंटा में चलती है 30 डिग्री, और एक मिनट में चलती है, एक मिनट में चलती है आधा डिग्री। यहाँ तक कन्फर्म है, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो मैंने बता दिया, आपको याद भी होना चाहिए। अब बात करते हैं 20 सेकंड की। तो देखिए यहाँ से ये जो है 60 सेकंड, 60 सेकंड में चलती है 1/2 अंश, तो एक सेकंड में कितना चलेगी, 1/2 और नीचे आ जाएगा 60, इतनी डिग्री। और ये 20 सेकंड में कितना चलेगी, तो ऊपर 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 + 60, तो ये चलेगी 1/6 डिग्री। बहुत ही सिंपल है। तो इस प्रकार से हम अगर कोई भी टाइम दिया है घंटे वाली सुई का या मिनट वाली सुई का कि इतने समय में ये कितना कोण चलेगी, तो हम उसे आराम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें आपको कोई भी टाइम दिया गया होगा, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 10 सेकंड है, या फिर मिनट दी गई होंगी, इतने मिनट इतने सेकंड में कितना कोण चलेगी। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, इसे हम कर लेते हैं 50 सेकंड। अगला क्वेश्चन, घंटे वाली सुई जो है 50 सेकंड में कितना कोण चलेगी। तो देखिए 60 सेकंड में कितना चलती है, 1/2, तो एक सेकंड में कितना चलेगी, ये जो घंटे वाली सुई है एक सेकंड में चलेगी 1/2 × 60। अगर हम इसकी बात करें 50 सेकंड की, तो ये 50 सेकंड में कितना चलेगी, तो इसे हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये बचा 5/12 डिग्री। तो इस प्रकार से जो घंटे वाली सुई है वो एक सेकंड में 50 सेकंड में 5/12 डिग्री चलेगी। इसी प्रकार से अगर वो क्वेश्चन पूछता है मिनट वाली, तो मिनट वाली की भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन हम मिनट की सुई से लेते हैं, 40 सेकंड में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी। तो चलिए मिनट की सुई के बारे में हम जानते हैं कि जो मिनट की सुई होती है वो 60 सेकंड में, जो मिनट की सुई एक घंटे में 60 मिनट में, यानी एक घंटे में चलती है, 60 मिनट में चलती है 360, तो एक मिनट में चलेगी कितना चलेगी। जो मिनट वाली सुई होती है वो एक मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो एक मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो यानी 60 सेकंड में ये चलेगी 6/60, अर्थात 1/10 डिग्री। 60 सेकंड में 1/10 डिग्री चलेगी, तो ये बात करते हैं 40 सेकंड में कितना चलेगी, तो 40 सेकंड में चलेगी 40/10, अर्थात 4 डिग्री। इसी प्रकार से अगर हम 40 सेकंड की जगह हम इसे 80 सेकंड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 80/10 यानी 8 डिग्री। अगर इसे 20 सेकंड कर लेते हैं, तो ये 20/10 2 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम मिनट वाली सुई भी कितने समय में कितना कोण चलेगी, ये हम निकाल सकते हैं। इसके बाद कई सारे कोण इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट में कितने का कोण हुआ। तो मैं इसके लिए एक आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। कोण बराबर घंटा गुणा 30 माइनस मिनट गुणा 11/2। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। अगर आप इसे याद कर लोगे तो और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ना ज़्यादा बेसिक की जानने में जरूरत है। तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आता है
कितने बजकर कितने मिनट में कितना कोण होगा। तो ये कोण दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक कोण और एक होता है बाह्य कोण। ठीक है, तो जो कोण आता है अगर वो 180 से ज्यादा आएगा तो बाह्य कोण में जाएगा और 180 से कम आएगा तो वो आंतरिक कोण में जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी समय के लिए कोई भी कोण निकाल सकते हैं। तो आप अगर बेसिक से चाहें तो बेसिक से भी मैं आपको दोनों ट्रिकों से बताऊंगा। तो इसके लिए मैं ये क्वेश्चन लेता हूं, जैसे 4 बजकर 10 मिनट में जो घड़ी की सुई होंगी वो कितना कोण बनाएंगे। तो इसके लिए मैं अपने इस फॉर्मूले का यूज करता हूं। तो 4 बजकर 10 मिनट की बात कर रहा हूं तो घंटा कितने हैं 4, तो यहां पर लिखेंगे 4 × 30 माइनस मिनट, मिनट कितना है 10 × 11/2। तो आप इसमें जैसे जो घंटे का हमने जो फॉर्मूला लगाया इसी फॉर्मूले में आप रख लीजिए। तो रखने के बाद में देखिए 4 × 3 = 12 = 120 माइनस 2 से 10 को काटो 5 बार तो 55, माइनस के 55, इसमें से 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो जो 4 बजकर 10 मिनट होगा, 4 बजकर 10 मिनट में जो सुइयां होंगी वो आपस में 65 अंश का कोण बना रही होंगी। तो ये तो मैंने फॉर्मूला से बता दिया। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से देखिए किस प्रकार से करेंगे। ये 3 है और ये 12 है, ये 1 का है, ये 2 का है और ये 4 का है। तो देखिए जो घड़ी वाली सुई होगी वो 4 से थोड़ा सा आगे होगी और ये वाली सुई यहां पर होगी 4 बजकर 10 मिनट, यहां से यहां तक 5 मिनट और यहां से यहां तक 10 मिनट। ये निश्चित है, ये निश्चित है कि यहां से यहां तक ये फिक्स इसी पर होगी। तो यहां से यहां तक कितना कोण हो गया, यहां से लेकर के यहां तक कोण कितना हो गया, देखो 30 अंश का एक खाना होता है एक घंटा, तो 30 अंश और 30 अंश यहां से यहां तक 60 अंश हो गया। और यहां से यहां तक कितना हो गया, देखिए 1, 2, 3, 4, 120 ये हो गया और 10 मिनट और चला। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा चलती है तो 10 मिनट में कितना चलेगी 5 अंश, तो 5 अंश ये हो जाएगा। तो 120 और 5 = 125 हो जाएगा, यहां से यहां तक 125 और इसमें से ये 60 घटा दो तो कितना आ जाएगा 65 अंश आ जाएगा। तो आप चाहे इस प्रकार से भी कर सकते हो और आप चाहो तो घंटा के हिसाब से इस फॉर्मूला बताया है इससे भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं बता रहा हूं। और जो घड़ी का कॉन्सेप्ट है मैं आपको पूरा का पूरी बेसिक से लेकर के एक एक क्वेश्चन इस प्रकार से बता दूंगा कि आपको अन्य कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसे देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।